नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में। और हम फिर हाजिर हैं एक करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पे थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन भी बताते चलेंगे। तो चलते हैं हमारे करंट अफेयर्स की तरफ। उसके पहले अगर आप अभी तक एविजन ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो काइंडली गूगल प्ले स्टोर को विजिट कीजिए, वहां पे सर्च कीजिए एविजन और वहां पे आपको मिल जाएगा एविजन डिजिटलाइज लर्निंग ऐप। या फिर और भी क्वेरीज या फिर कुछ जानने के लिए, कोर्सेज रिगार्डिंग कुछ भी जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.avision.co.in। क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश यूपी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया इलेक्ट्रॉनिक पार्क का कौन से रीजन में, इसमें से कौन से रीजन में यहाँ पे मिला है अप्रूवल। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा नोएडा, जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका नोएडा है वहां पे अप्रूवल मिल गया है बाई यूपी गवर्नमेंट की वहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाया जाएगा। कहां पे? अलोंग यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, नियर नोएडा, जो कि प्रमोट करेगा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को। तो पार्क की बात करें तो प्रपोज किया गया 250 एकड़ जमीन में नियर जेवर एयरपोर्ट, जो नोएडा का सामने जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है उसी के पास। नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन्स हो गया, टीवीज हो गया और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगी। और न्यू इलेक्ट्रॉनिक पार्क जो है उसमें इन्वेस्टमेंट टोटल की अगर बात करें तो वो 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ ये हो रहा है। वहां के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, माउंटेनियर जिसने अचीव किया फीट फॉर बिकमिंग द फास्टेस्ट इंडियन टू स्केल टू पीक्स, दो पीक्स में मतलब कि दो चोटी पे स्केल करने वाले फर्स्ट इंडियन और फास्टेस्ट इंडियन कौन बने यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा गीता समोटा। देखिए गीता समोटा एक CISF के ऑफिशियल हैं जो कि फास्टेस्ट इंडियन है, जो कि ड्यूअल समिट स्केलिंग की है दो पीक को, लोकेटेड इन अफ्रीका और रसिया। 31 वर्षीय समोटा जी जो कि सक्सेसफुली स्केल करते हैं कौन सा, माउंटेन एल्बरूस रशिया में, जो कि 5,642 मीटर का है 13 अगस्त को वही 2021 को। और बात करें दूसरा तो माउंटेन किलिमंजारो जो कि 5,895 मीटर का है वो सितंबर 2021 में 11 सितंबर को की है। तो माउंटेन किलिमंजारो की बात करें तो देखिए हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप या फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके हाईएस्ट पीक है यह, जो कि कौन से देश में है, तो तंजानिया में। दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी या फिर माउंट कौन सा है, माउंटेन पीक, तो वहां पे आप बोलिएगा कि माउंटेन किलिमंजारो, या फिर अगर बोलेगा तंजानिया का तो तंजानिया, और कहां लोकेटेड है तो अफ्रीका और तंजानिया दोनों तरफ से आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश ने अप्रूव किया है 9th परमानेंट मेंबर ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईरान। ईरान ईरान को फिर से क्या हुआ कि जब ये पहले ये यहाँ पे ऑब्जर्वर मेंबर था, उसके बाद जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं आपके आप फाउंडिंग मेंबर जो कि SCO के हैं, उन्होंने सबको मिल के यहाँ पे क्या घोषणा की कि ईरान जो है अब ये ऑब्जर्वर से हटके वहाँ पे एक परमानेंट मेंबर्स मतलब कि उसको मेंबरशिप मिल जाएगा, जो कि 8 परमानेंट मेंबर्स है उसमें 9वां मेंबर कौन बन जाता, अब ईरान बन जाता, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, क्योंकि ऑब्जर्वर से अब फुल मेंबर स्टेट में घोषणा हो जाती है। अगर बात करें इसकी SCO की हेडक्वार्टर की दोस्तों, तो आपको याद रखना चाहिए वो कहाँ होता है, बीजिंग में होता है, बीजिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, FSSAIS स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स SFIS 2021 में लार्ज स्टेट कैटेगरी ने कौन सा अवार्ड जीता, लार्ज स्टेट कैटेगरी में कौन सा राज्य अवार्ड जीता है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात को यह अवार्ड मिला गया है या दिया गया है। चलिए यूनियन मिनिस्टर हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, देखिए याद रखना है मनसुख मांडविया, क्योंकि ये चेंज हो गए डॉक्टर हर्षवर्धन के बाद, जब मोदी कैबिनेट की विस्तार हुई है तो इनको नया मिनिस्ट्री मिला है, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ और फैमिली वेलफेयर। तो रिलीज किया थर्ड फूड सेफ्टी इंडेक्स, जिसमें स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI जो है इसको रिवील करती है, और उसमें 20 सितंबर को कहा गया कि फूड सेफ्टी अक्रॉस ऑल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में इंडेक्स जो जारी किया है उसमें कौन सा राज्य टॉप करता है, तो वो होता है गुजरात। ठीक है, अब बात करें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के, तो उनको 5 पैरामीटर्स पे जांचा गया, कौन सा, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा, उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए कि कंपाइलेंस, उसके बाद फूड टेस्टिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग कैपेसिटी, कंज्यूमर एम्पावरमेंट। स्टेट्स और यूटी जो क्लासिफाई है 3 कैटेगरीज में, उनको लार्ज जब स्टेट को जो अवार्ड दिया गया तो सारे स्टेट पार्ट लिए थे, तो उसमें 3 कैटेगरी रखा गया, लार्ज स्टेट, स्मॉल स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो लार्ज स्टेट में कौन टॉप किया है, जैसे आपको पता है क्वेश्चन में गुजरात है, उधर इधर बात करें स्मॉलर स्टेट में तो गोवा, और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो जम्मू कश्मीर, जो कि 2019 से अब यूनियन टेरिटरी के दर्जे से है, ना कि स्टेट के दर्जे से। अगला क्वेश्चन, किसे रीनेम किया गया चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जो कि इनकमेंट चीफ मार्शल RKS भदुरिया को
सक्सीड कर रहे हैं। मतलब आरकेएस भदुरिया जो कि हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनके जगह पे कौन अब नए चीफ ऑफ एयर स्टाफ बन रहे हैं। और ये अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत ज्यादा खासा ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। तो विवेक राम चौधरी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कौन से हो जाएंगे, विवेक राम चौधरी। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया कि एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जो है वो अब चीफ ऑफ एयर स्टाफ COAS रहेंगे। कब से, अक्टूबर 1, 2021 से। ठीक है, प्रेजेंटली वो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, अब वो जो पिछले जो मतलब कि फिलहाल में जो अभी प्रेजेंट में है आरकेएस भदुरिया जिनका टेन्योर 30 सितंबर को खत्म हो रहा है, तो उनके जगह पे VR चौधरी मतलब कि विवेक राम चौधरी जी सक्सीड करेंगे और वो नए एयर स्टाफ के तौर पे अपॉइंट हो रहे हैं एयरफोर्स के। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जिसने थर्ड टाइम इलेक्शन जीते, जनरल इलेक्शन लिया 2021 में, प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको बताना है, तो यहाँ पे जस्टिन ट्रेंडू। ये जस्टिन ट्रेंडू जो है कनाडा के थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और कंट्री के वो उनकी पार्टी जो है 2021 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को जीत गई है। लिबरल पार्टी की अगर बात करें तो 49 ईयर्स के ट्रेंडू ओनली क्या करते हैं कि माइनॉरिटी सीट्स ऑफ द इलेक्शन ही जीत पाए, और वो पावर में है कितना, 2015 से पावर में, तो अब लगभग उनका 6 साल का टेन्योर हो चुका है, 6 साल से वहां पे पावर में है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे हर साल कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे। देखिए वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे एनुअली 21 ग्लोबली मनाया जाता है, ये आपको पता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है तो आपको याद रखना थीम उसका नो डिमेनिशिया नो एल्जाइमर्स, ये आपका थीम बनेगा। एम की अगर बात करें इसका जो मेन एम है कि अवेयरनेस अवेयर करना कि स्टिग्मा दैट रन्स अराउंड एल्जाइमर्स डिजीज एंड रिलेटेड डिमेंशिया टू मोटिवेट दोज हु सफर फ्रॉम एल्जाइमर, एल्जाइमर से जो सफर करते हैं उनको कैसे और अवेयर करना है और उनको मोटिवेट रखना है। एल्जाइमर का एक प्रोग्रेसिव डिजीज है जिससे में मेमोरी लॉस होता है और मेंटल फंक्शंस खराब हो जाता है, आपका मेंटली आप वीक होते हैं, आपका मेमोरी लॉस होने लगता है, पीछे की बातें आप भूलते हो जाते हैं। तो डिजीज की अगर बात करें तो एक जर्मन साइकेट्रिस्ट है एलोइस अल्जाइमर, उनके नाम पे पड़ा था और वो फर्स्ट डायग्नोस किए थे डिजीज को कब, एक 50 साल की वुमेन में 1901 में इस डिजीज को उन्होंने डायग्नोस किया था। और एल्जाइमर डे जो है 21 सितंबर को ग्लोबली मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 22 सितंबर को हर साल कौन सा दिन के रूप में सेलिब्रेट या फिर मनाया जाता है, तो ये होता है वर्ल्ड राइनो डे। जैसे कि आपको पता है इंडिया इज फेमस और वन हॉर्न राइनो कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क में। एग्जाम में रेलवे में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो आपको याद रखना कि वन हॉर्न राइनो बेसिकली कहाँ मिलते हैं सबसे ज्यादा, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं। देखिए हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे को मनाया जाता है कि अवेयर कर सके या फिर अवेयरनेस ला सके लोगों में कि प्रोटेक्ट करना है, एक एग्जिस्टिंग स्पीसीज है राइनोसोरस। तो जैसे कि अभी कौन से स्पीसीज होते हैं, ब्लैक हो गए, व्हाइट हो गए, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जो हम अभी बात कर रहे थे, सुमात्रन राइनो, जावन राइनो। वर्ल्ड राइनो डे की अगर बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका जो है 2010 में इसको अनाउंस किया गया और 2011 से हर साल इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट का नाम बताना अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जिनका रिसेंटली देहांत हो गया है। यहाँ पे महंत नरेंद्र गिरी जो है उनका बहुत ही रहस्यमय मृत्यु होती है और उसमें उनके साथ ये पाया गया है कि 12 पेज का सुसाइड नोट भी लिख के गए हैं। तो वो कौन थे, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के थे जिनका रिसेंटली बागमरी मठ जो कि प्रयागराज में है वहां पे उनका देहांत होता है 72 साल की उम्र में। देखिए और उसमें जो देखा गया है कि उनके शिष्य जो उनके पहले के शिष्य थे उन्हीं पर उसको लगाया गया है कि वही उन्होंने उनकी वही जिम्मेदार है उनकी मौत के, जबकि वो कह रहे हैं कि ये उनकी हत्या है। तो इस पे और भी डिबेट है और अभी उनका पोस्टमार्टम बॉडी का कल ही पोस्टमार्टम हुआ है तो और आगे देखा जाए। एबीएपी की बात करें तो लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ साउथ साधुज इन इंडिया कंसिडर किया जाता है और महंत गिरी जो है फर्स्ट वो अखाड़ा परिषद के और नासिक कुंभ में 2014 में चीफ बनाए गए थे और सेकेंड टाइम 2019 में उन्हें फिर से री इलेक्ट किया गया था। महानगिरी की बात करें तो परिसर रिलीज किया था लिस्ट ऑफ एलिगेटली फेक सन्स, कुछ फेक सन्स जो थे फेक साधु जो होते हैं उनके इन्हीं के टेन्यूर में फेक सन्स का एक लिस्ट भी जारी किया था अखाड़ा परिषद द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिमी ग्रीव्स जिनका रिसेंटली देहांत हो गया है वो फुटबॉलर थे कौन से कंट्री के, फॉर्मर फुटबॉलर थे कौन से कंट्री के, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंग्लैंड। देखिए फॉर्मर इंग्लैंड प्रोफेशनल फुटबॉलर जिमी ग्रीव्स जो कि फॉरवर्ड स्ट्राइकर की भूमिका में खेलते थे उनका 81 साल के एज में 81 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो जाता है। और अगर बात करें उनके करियर की तो 44 गोल थे 57 अपीयर्स में
और वो मेंबर थे 1966 के वर्ल्ड कप विनिंग साइड इंग्लैंड के, वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड 1966 में जीता था तो उसके मेंबर भी थे, और 57 मैचेस में उन्होंने 44 गोल स्कोर किए थे। तो दोस्तों ये था हम लोग का करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 23rd September 2021। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच, साइनिंग आउट जीतू तिवारी।